पहले कुछ इस प्रकार से भी आप देख सकते हो, जैसे कि पिंपल था और अब गायब हो गया। बड़े ही आसानी से कुछ इस प्रकार से आप अपने फोटोशॉप में अपने पिंपल्स को गायब कर सकते हो। तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से वीडियोस में हम पिंपल्स को गायब कर रहे हैं फोटोशॉप की मदद से। दोस्तों अगर आप फोटोशॉप में नए हैं, अगर आपको कम जानकारी है, तो इस वीडियो में आपको बड़े ही आसान तरीके से हम बताएंगे कि कैसे आप अपने चेहरे के दाग धब्बे को डिलीट कर सकते हो अपने फोटोशॉप में। छोटी छोटी सी टिप्स है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर एक भी ऑप्शन अगर आप मिस करते हो तो शायद से आप अपने फेस के पिंपल्स को गायब नहीं कर पाओगे फोटोशॉप में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो यहाँ पे फोटो देख पा रहे हो, इस फोटो का यहाँ पे फेस क्लीन करके दिखाएंगे, जैसे कि दाग धब्बे हो गए या एक्ने, पिंपल्स, किसी भी टाइप्स का दाग धब्बे हो अपने फेस में, आप फोटोशॉप में बड़े ही आसानी से डिलीट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहले क्या करना है, इस फोटो को अपने फोटोशॉप के अंदर आपको ओपन कर लेना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जो फोटो देख पा रहे हो, इस फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने फोटोशॉप में आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके करो, चाहे किसी भी तरीके से करो, आप अपने फोटोशॉप में इस फोटो को किसी भी तरीके से ओपन कर लेना, जैसे कि अभी आप यहाँ पे ओपन किया हुआ देख पा रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले विंडो में चले जाना है, और विंडो में जाने के बाद आपको लेयर पैनल को एक्टिव कर देना है। अब यहाँ से लेयर पैनल आपका एक्टिव हो जाएगा, तो लेयर पैनल को राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से लार्ज ऑप्शन को कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि अगर इस प्रकार से अगर दिख रहा हो या इस प्रकार से, तो आपको थोड़ा सा लार्ज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है ताकि आपका लेयर बड़ा दिखे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस लेयर पैनल के नीचे में आपके पास एक फोल्डर का ऑप्शन दिखेगा, तो जिसका नाम है क्रिएट ए न्यू सेट, इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक यहाँ पे सेट तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये वाला जो फोटो है, जैसे बैकग्राउंड है, इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन पे इस पर आपको छोड़ देना है, ताकि यहाँ पे आपके पास एक कॉपी तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, नीचे वाले लेयर को इसको हाइड कर देना है और ऊपर में इसे अंदर कर देना है, इस सेट के अंदर, यानी कि इस सेट के अंदर आपका ये फोटो जो है कॉपी होके चला गया है, जैसे हमने अभी किया, चला नहीं गया है, वो करना पड़ता है, जैसे हमने किया, आप पीछे वीडियो करके देख सकते हो, ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ आ चुके। उसके बाद क्या करना है, नीचे वाला जो यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे जो आई देख पा रहे हो, इसको यहाँ से हाइड कर देना। अब जो भी काम करेंगे हम इस सेट के अंदर ही काम करेंगे। सबसे पहली बात की क्या करना है, इस वाले फोटोज़ का दाग धब्बे को डिलीट करने के लिए आपको टूल्स बार में यहाँ पे देख सकते हो कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे एक सबसे पहला है हीलिंग ब्रश, अगर हम हीलिंग ब्रश का उपयोग करते हैं तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कई सारे ऑप्शन का यूज आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे कि अगर मैं हीलिंग ब्रश का यूज करूँ, तो अभी मैं इस फोटो को जूम कर लेता हूँ और ये देख सकते हो, बड़े ही आसानी से आप हीलिंग ब्रश को यूज कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ब्रश को क्या करना है, डायमीटर यानी कि हो गया आपका छोटा बड़ा, आप यहाँ से कर सकते हो। हेडनेस का मतलब होता है यहाँ पे हार्डनेस, यानी कि ब्रश का हार्डनेस आपको कितना रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रश का हार्डनेस आपको जितना भी रखना रख सकते हो। स्पेसिंग अगर आप बढ़ा दिए तो आपका यहाँ से दाग धब्बे दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्पेसिंग कम रखना है, ठीक है। हार्डनेस आप चाहो तो 50% रख सकते हो, स्पेसिंग आपको 30 या 40 या उससे कम रख सकते हो। और अभी यहाँ पे इसका डायमीटर बढ़ा करके आप अपने ब्रश का साइज को बढ़ा घटा सकते हो। हीलिंग ब्रश को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद साइड में आपको क्लिक करना है, अल्ट प्रेस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, इस प्रकार से। और इस पर हम साइड में क्लिक करते हैं और यहाँ पे साइड में क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक से देख सकते हो यहाँ पे आपका दाग धब्बा यहाँ से डिलीट हो रहा है। तो एक बार आपको क्लिक नहीं करना, दो तीन बार यहाँ पे साइड में क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा कि ये स्पेसिंग आपका मैच हो जाएगा, साइड से यहाँ पे जो चेहरा है वो आपका मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे साइड में क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे एक दो बार, तो यहाँ पे बड़े ही आसानी से आपका यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार से क्लीन कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अपने पिंपल्स को डिलीट करना है। तो अल्ट आप जैसे साइड में अल्ट दबाएंगे, फिर इस पे रखेंगे, फिर अल्ट दबाएंगे, फिर रखेंगे, तो इस प्रकार से ही आपका यहाँ पे दाग धब्बा डिलीट होने वाला है, ठीक है। और कोई और तरीका आप जैसे खोज रहे हो कि डायरेक्ट हो जाए, वो नहीं होगा, अल्ट को प्रेस करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। साइड में अल्ट करेंगे, अल्ट करने से क्या होगा कि आपका अल्टर जो अलग से जो आपका जो फेस की जो बढ़िया फेस है उसे यहाँ से क्लिक करेंगे, यानी कि इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे रख दिया, तो ये होता है कॉपी पेस्ट, ठीक है। फेस को क्लीन करने का एक कॉपी पेस्ट तरीका है। यहाँ पे अभी आपका फेस जो है क्लीन हो चुका है। अगर आपको इसका फर्क मैं दिखाऊँ, तो अभी इसको नीचे वाले को व्यू करता हूँ और देखो
पहले कुछ इस प्रकार से था, अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। पहले कुछ इस प्रकार से भी आप देख सकते हो जैसे कि पिंपल था और अब गायब हो गया। बड़े ही आसानी से कुछ इस प्रकार से आप अपने फोटोशॉप में अपने पिंपल्स को गायब कर सकते हो बिना किसी डिफरेंस का। तो ये होता है फोटोशॉप का कमाल जो आप बड़े ही आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करो नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।